Hello dear students, good morning to all. Welcome to Abhinav School's online classes. Let's we continue our class 5th and exercise 2nd. Okay, we have solved till 5th questions in previous classes. Now question 6. Okay, listen carefully. The question says, Anshu bought a cycle for ₹2,999 and Ruchi bought a cycle for ₹2,650. Question saying, Anshu bought a cycle. Anshu ने एक cycle purchase की, bought खरीदी, rupees, उसका rupees देने का cost करेगी 2,999. And Ruchi, a girl, bought a cycle for ₹2,650. Okay, two person है, two children है, जो एक Anshu और एक Ruchi है, उन्होंने bicycle purchase किए, खरीदी. Find the difference of amount of both cycles. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो इस दोनों साइकिल्स के जो कॉस्ट में है जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस. डिफरेंस मींस वी विल फाइंड वी विल डू इन दिस क्वेश्चन सबट्रैक्शन. जब टोटल दे रखा हो तब तो हम करते हैं एडिशन. और जब डिफरेंस दे रखा है मींस इट मींस वी विल डू इन दिस क्वेश्चन सबट्रैक्शन. ओके अंडरस्टूड. लैंग्वेज आई हैव रोट फ्रॉम दिस सेल्फ द क्वेश्चन. अंशु बोट अ साइकिल फॉर रुपीज. क्वेश्चन से हेल्प क्वेश्चन के आंसर में लैंग्वेज राइट किए. अंशु बोट अ बाइसिकल फॉर रुपीज इज इक्वल टू 2,999 रुपीज. सेकंड रुचि बोट अ साइकिल फॉर रुपीज 2,650 रुपीज. अब इन दोनों को सबट्रैक्शन करेंगे. 9 में से 0 माइनस किया है 9. 9 में से 5 माइनस किया 4. 9 में 6 माइनस किया 3 और 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. मींस डिफरेंस जो आ रहा है 349 रुपीज आ रहा है. सो हेंस लाइन रुपीज 349 द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ साइकिल्स. इन दोनों साइकिल्स का डिफरेंस कितना है 349 रुपीज. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 7. आई स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन सब्ट्रैक्शन. एक बार क्वेश्चन बता देता हूं आपको. मैं 7 क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं. सम ऑफ द नंबर्स ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स ऑफ 7678 एंड इफ वन ऑफ देम आई हैव टोल्ड अबाउट इन प्रीवियस क्लास. जब भी क्वेश्चन में वन ऑफ देम आए मींस क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. क्वेश्चन कह रहा है टू नंबर्स दे रखा है उनका एडिशन दे रखा है. सम दे रखा मींस एडिशन दे रखा है जोड़ प्लस दे रखा है. फॉर सपोज मान लीजिए 10 दे रखा है एक क्वेश्चन का उसमें से एक नंबर दे रखा है 3. तो क्वेश्चन ये कह रहा है अदर नंबर फाइंड आउट कीजिए. तो अदर नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे जब 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा. ओके इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने स्किप किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. मोहन हैज एन अमाउंट सॉरी एक क्वेश्चन. मोहन हैज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000. मोहन एक पर्सन है उसके पास अमाउंट है रुपीज 10,000. ही बॉट वीट फॉर रुपीज 4,500 रुपीज. उसने क्या किया वीट यानी गेहूं परचेज किए खरीदे व्हाट मींस खरीदा 4,500 रुपीज एंड राइस फॉर रुपीज 1,600 रुपीज. और उसने राइस यानी चावल परचेज किए खरीदे 1,600 रुपीज में. हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ. अब वो कितना रुपए अब वो कितना मनी अपने पास रखता है फाइंड आउट करना है. देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं जब भी मैथ्स के नंबर 3 नंबर से मैक्सिमम टाइम इन दिस क्वेश्चन ये दिस टाइप्स क्वेश्चन वी विल डू फर्स्ट एडिशन आफ्टर सबट्रैक्शन. मींस इस टाइप के क्वेश्चन जब होते हैं मैथ्स के 3 नंबर मैक्सिमम टाइम तो हम क्या करते हैं जब टोटल दे रखा हो पहले लाइन में जब टोटल दे रखा हो मोहन हैज टोटल अमाउंट दे रखा है और वो कह रहा है ये अदर अदर परचेज किए उसने तो इसमें क्या है जो भी अदर परचेज करते हैं पहले उनको प्लस करते हैं और फिर टोटल में से माइनस करते हैं. जैसे कि यू हैव 10 रुपीज जैसे कि आपके पास 10 रुपीज है. यू गो यू वेंट मार्केट आप मार्केट गए और 5 रुपीज नोटबुक परचेज की एंड 2 रुपीज की पेंसिल परचेज की. ओके देन हाउ मच रुपीज यू हैव नाउ. अब आपके पास कितने रुपए तो आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे डायरेक्टली आपको कैसे वैसे थोड़े क्या माइनस कर लोगे पहले 5 रुपीज प्लस 2 रुपीज करेंगे प्लस करेंगे. 5 प्लस 2 हाउ मच 7. 7 आएगा उसमें 10 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे 3 रुपीज. तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. एक हिंट दे रहा हूं कि जब भी टोटल दे रखा और मैथ्स के यानी मैथ्स के नंबर देगा तो आपको एक हिंट बता रहा हूं इस टाइप से जिसको लैंग्वेज समझ में आए वो इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकता है. ओके लैंग्वेज देखिए मोहन वॉट वीट रुपीज पहले दोनों का एडिशन करेंगे जो लास्ट वाला दे रखा है दोनों वीट वाले और राइस वाले को रुपीज 4,500 रुपीज. He bought rice for rupees 1,600. इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे 0 to 0 plus 0 to 0 0 plus 0 0 6 5 plus 6 11 11 का 1 and 1 carry 1 plus 4 5 5 plus 1 6. ओके सो इन दोनों का कॉस्ट कितना होगा टोटल राइस और ड्रिंक का 6,100 रुपीज. इट मीन उसने 6,100 रुपीज स्पेंड किए यानी खर्च किए मार्केट में. नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट करना
how much money does he have now? अब उसके पास कितने रुपए हैं? तो Mohan has an amount for rupees 10,000. मोहन के पास 10,000 रुपए हैं. He spent total. उसने total कितने रुपए spend कर दिए? 6,100. इसमें से minus कर दो. 0 to 0, 0 to 0 minus करेंगे. अब यहाँ 0 है, 0 में से 1 minus subtract नहीं कर सकते हैं. तो क्या आएंगे? 4 लेंगे. तो यहाँ होगा 10. 10 में से 1 minus क्या 9? यहाँ remaining रहे 9. 9 में 6 minus करेंगे. 6 minus करेंगे क्या आएगा? 3. Now he have 3,900 rupees. Hence rupees 3,900 money does he have now? अब उसके पास 3,900 rupees है. Next question, 9th question. Write the question first. You will write the question yourself first. ऐसा नहीं है कि ये line आप write किए और वापस send कर दिया मेरे को. आपको question 9 write करना. After you will start solution. Okay? Question 9. A total of 8,976 children were given drops of plus polio under bath. बागवास वास पंचायत इन थ्री पेजेस. क्वेश्चन कह रहा है ए टोटल ऑफ स्टूडेंट्स, ए टोटल ऑफ चिल्ड्रन 8,976 वर गिवन ड्रॉप. बच्चों को प्लस पोलियो अभियान के तहत ड्रॉप दी गई. बच्चों को मिला था ना ड्रॉप, वो दी गई. कितने स्टूडेंट्स को, कितने चिल्ड्रन? बच्चों को 8,976 को टोटल. फिर नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, 2,780 चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप इन फर्स्ट फेज. फेज मीन्स एक चरण होता है, पहला चरण. ठीक है, फर्स्ट फेज मीन्स चरण. 2,780 चिल्ड्रन वर, 2,780 स्टूडेंट्स को फर्स्ट फेज यानी पहले चरण में इतनी दवाई दी गई उनको. एंड 2,925 चिल्ड्रन इन सेकंड फेज. और सेकंड फेज, सेकंड चरण में उसमें कितनी दी गई बच्चों को ड्रॉप ले गई पोलियो की? 2,925. स्टेट हाउ मेनी चिल्ड्रन वर गिवन द थर्ड ड्रॉप्स इन द थर्ड फेज. कह रहा है थर्ड फेज में उन स्टूडेंट्स को, कितने बच्चों को ये पोलियो की ड्रॉप दी गई. देखिए अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन बताया, जब भी मैक्सिमम टाइम थ्री नंबर्स दे रखे हैं मैथ्स के, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन. और इस क्वेश्चन के लिए में जिसको समझ आए वो स्टूडेंट आराम से कर सकेगा कि इस फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में दी गई है कितने, इतने स्टूडेंट्स को बताइए कि थर्ड फेज में कितने दी, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या देगा ऑलरेडी टोटल, पहला टोटल देगा. तो देखिए लैंग्वेज, थर्ड चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप इन फर्स्ट फेज, ओके 2780. Children were given drop in second phase. First और second phase वाले students को पहले plus करेंगे, फिर जो total आ रहा है उसको total में से minus करेंगे, तो third phase का number find we can find easily. Okay, तो इन दोनों की total हो रहा है 5,705. 0 plus 5, 5. 8 plus 2, 10. 1 carry. 1 plus 7, 8. 8 plus 9, 17. 1 carry. 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5. तो first और second phase में total कितने students, कितने बच्चों को दी गई? 5,705 चिल्ड्रन को. वी विल फाइंड थर्ड फेज नंबर. ओके, तो ए टोटल ऑफ चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स ऑफ प्लस पोलियो इज इक्वल टू 8,976. यानी टोटल स्टूडेंट्स को, टोटल चिल्ड्रन को कितनी दी गई है, कितने टोटल चिल्ड्रन को दी गई है? 8,976 को. तो देखिए अब हमें फाइंड आउट करना थर्ड का. थर्ड का कैसे फाइंड आउट करें, जब इन दोनों को प्लस वाले को माइनस करेंगे टोटल में से, तो थर्ड का स्टूडेंट का नंबर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. Drops given in first and second phase is equal to 5,705. देखिए 6 plus 5 minus किया 1, 7 plus 0 minus किया 7, 9 plus 7 minus किया 2, 8 plus 5 minus किया 3. Means hence की line 3,271 children were given the drop in the third phase. Okay, third phase में इतने students को ये drop दी गई. Okay, you will do your work in fair notebook and submit me your work. Take care, bye bye.